वेलकम टू बिस्मान उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू चना चाट जी हाँ चना चाट आज हम बनाएंगे और बहुत ही अमी डिलीशियस डिलीशियस सी रेसिपी और सबकी फेवरेट चना चाट इसको कुछ लोग दही बल्ले भी बोलते हैं आल इसमें बल्ले नहीं प्रेजेंट होते लेकिन फिर भी कुछ लोग कह रहे होते हैं लेकिन हम इसको आलू चना चाट कहेंगे और घर के बने आलू चना चाट मज़े से चले जी अब चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ कि इसमें हमने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं ये देखिए जी भलिया मैंने ले ली हैं इनको भिगो कर और ये देखिए जी अच्छे से जो है पानी जो सॉक कर दिया है ये जी चार पाँच से छः अदू ली हैं छोटे छोटे क्यूब्स की फॉर्म में काट लिए उनको मैंने एक प्यारी चने उनको पहले जो है साफ़ करके सोडा लगा के बेकिंग सोडा और फिर उसके बाद उनको बॉयल कर लिया है ये देख सकते हैं आप बॉयल्ड चने हैं वाइट बॉइल्ड चने दो अदद प्याज ले ली है बारीक काट लिया है प्याज को मैंने दही हंसबे ज़रूरत मैंने जो है और बंद बंदकोपी ले ली है एक अदद और ये टमाटर दो मैंने बारी बारीक काट लिए हैं नमक हजबे ज़रूरत वन टी स्पून चाट मसाला वन एंड हाफ टेबल स्पून इमली की चटनी ली है थ्री टेबल स्पून और ये जी धनिया की चटनी पुदीने की चटनी ली है थ्री टेबल स्पून ये कैसे बनाई है इस वीडियो क्लिप में देख लें ये जी पुदीना है ये हमने ले लिया धनिया जो है थ्री टेबल स्पून नमक वन टेबल स्पून तीन हरी मिर्चें और थोड़ा सा पानी पुदीना आप जितनी आप क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं तो जी ये जी है इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं पुदीना इसको ब्लेंड कर देते हैं फिर ये जी पुदीना ऐड कर दिया हमने ये देखिए जी पुदीना अच्छे से ऐड कर देते हैं साइडों से भी निकाल लेते हैं ये जी अब धनिया ऐड कर दूंगी मैं इसके अंदर हरी मिर्चें ये ऐड कर दिए और ये नमक अब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर देती हूँ पानी थोड़ा सा ही ऐड करना है वन टू टेबल स्पून मैंने ऐड किया पानी जस्ट अब इसको हम ब्लेंड करते हैं ये जी अच्छे से ब्लैंड करते हैं तो पुदीने की चटनी हमारी रेडी हो चुकी है अच्छा कुछ लोग इसके अंदर चाट मसाला भी ऐड कर देते हैं और ब्लैक पेपर भी पे ऐड करते हैं मैंने नहीं ऐड की क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता तो मैंने जस्ट नमक ऐड किया है और बाकी आप दे सकते हैं बाकी चीज़ें तो जी हमारी पुदीने की चटनी जो है ब्लेंड हो चुकी है रेडी हो चुकी है अब इसको डिश आउट करते हैं ये जी निकाल लेते हैं इसको जग से इसको हम इसके अंदर बाउल के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं ये देखिए जी ये जी ऐड कर दिया हमने इसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं और बाद में फिर आप इसको दही में डाल के चटनी वगैरह बना के आप बाद में भी यूज़ कर सकते हैं ये मैं बाउल के अंदर से निकाल लेती हूँ ये देखिए जिसके अंदर निकाल के इसमें ऐड कर देते हैं अच्छा कुछ लोग इसकी कंसिस्टेंसी अगर थिक बनाना चाहे तो पानी कम डाल दें बट मैंने जो है इसको फ्रीज़ कर लेना है इस चटनी को दही भल्ले डालने के अलावा इसको फ्रीज़ कर लूँगी और फिर जब भी हमें ज़रूरत होगी तो इसको जो है वो दही के अंदर निकाल के और दही के अंदर आप ऐड कर सकते हैं तो ये फ्रीज़ कर मतलब आप दो वीक्स तक फ्रीज़ की हुई ये चटनी आप यूज़ कर सकते हैं तो एक ही दफ़ा बना लें और फिर फ्रीज़ कर लें इसको ये आपके काम आएगी तो जी ये है हमारे सारे इंग्रेडिएंट जो आज हमने दही बल्ले यूज़ बनाते वक्त यूज़ करने हैं देख सकते हैं आपको भलियाँ जो है वो सोख करके रखती है। स्ट्रेनर में स्ट्रेन करके रखती है। आलू हैं प्याज हैं चने हैं अब जी अब सारी चीज़ों को हम बारी बारी ऐड करेंगे इस बाउल के अंदर बड़े बाउल के अंदर और ये सारी चीज़ें हैं है हमारी इमली की चटनी आप कम या ज़्यादा अच्छा इमली की चटनी है अगर आपने उसकी रेसिपी देखनी है तो वो भी मेरे चैनल पे मैं जल्द ही अपलोड करूँगी तो वो आप मेरे चैनल पे देख सकेंगे इमली की चटनी खट्टी मिट्टी चटनी हम कैसे बना सकते हैं तो ये जी पहले मैं बड़े बाउल के अंदर जो है पहले सारी चीज़ें ऐड करूँगी ताकि मिक्सिंग में हमें प्रॉब्लम ना हो आलू ऐड कर दिए अब आलूओं के बाद छोटे छोटे बारीक बारीक का आलू काटने हैं क्यूब्स की फॉर्म में अच्छा याद रहे किसी भी चीज़ के अंदर पानी नहीं होना चाहिए इसीलिए आपने स्ट्रेनर के थ्रू तो स्ट्रेन कर लेना है सारी चीज़ों को ये इसलिए मैंने बड़ी छन्नी यूज़ की हुई है मैंने भलियाँ भी इसके अंदर ऐड कर दी ताकि उसमें से सारा पानी ड्रेन आउट हो जाए ये देखिए अब टमाटर ऐड कर दिए बारीक काटे हुए अच्छा कुछ लोगों को इसमें चने चाट में टमाटर नहीं मजे के लगते अच्छे नहीं लगते तो वो स्किप कर सकते हैं ये जी बंद गोभी हमने बारीक चॉप की हुई वो ऐड कर देनी है अब इसको हम मिक्स करते हैं मिक्स 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 इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और अब हम जो है प्याज ये देखिए जी प्याज हम ऐड कर देंगे इसके अंदर ये जी प्याज भी हमने ऐड कर दिए हैं इसके अंदर सारे अच्छे से ये जी अब इसको मिक्स करते हैं अच्छे से तरीके से और अच्छे तरीके से मिक्स 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 अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं ये देखिए जी ये मिक्स हो गया अब ये देखिए थोड़ी ये जो है चटनी जो पुदीने की चटनी मैंने बनाई थी वो मैंने पहले ऐड कर दी दही के बाद नहीं ऐड की है, आप देख सकते हैं ये मैंने पहले ही ऐड कर दी है कुछ लोग दही में डाल के वो ऐड कर देते हैं लेकिन मैंने वैसे ही इसमें मैं ऐड कर देती हूँ बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे ये अब हम मिक्स करेंगे इसको अच्छे से ये देखिए जी ये नमक नमक भी ऐड कर दिया इसके अंदर इस टाइम पे हम नमक ऐड कर देंगे ये जी नमक भी ऐड कर दिया हमने <coughs> इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और लास्ट पे चने जो बॉइल्ड चने थे वो लास्ट पे डालेंगे सबसे लास्ट पे क्योंकि उनमें थोड़ा थोड़ा पानी था तो वो मैं स्ट्रेनर के थ्रू स्ट्रेन करके करने के लिए मैंने रखा हुआ है ताकि वो पानी निकल जाए तब मैं चने ऐड करूँ इसके अंदर इसीलिए मैंने पहले चीज़ें सारी ऐड कर दी थी पहले ही ये जी चने भी सारे ऐड कर दिए हैं हमने ये जी अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं अब इसको ये जी सारे इंग्रीडियंट चले गए बाउल के अंदर बस अब मिक्सिंग करनी है अच्छे तरीके से ये देख सकते हैं आपको कितनी मज़े का मज़े की ये और लुक क्या है उसकी ये जी चाट मसाला भी मैं अभी जो है वो ऐड कर देती हूँ लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं पहले भी ऐड कर सकते हैं लेकिन पहले इसको हम डिश आउट कर देते हैं फिर मैं चाट मसाला ऐड करती हूँ ये जी बाउल में निकालते हैं ताकि प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाए ये देखिए जी अब इसके अंदर निकालते हैं जितने खाने हैं हमने पहले वो निकाल लेते हैं ये जी ये देखिए इसके अंदर निकाल के फिर मैं दही सब में नहीं मिक्स करती पहले मैं जो है प्रेजेंटेशन की फॉर्म में इसको अच्छे से करती हूँ ये देखिए जी हमने निकाल लिया इसके अंदर अच्छा एक और चीज़ बताऊँ आप ज़्यादा सारे बनाने तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं और आप वो पूरा दिन यूज़ कर सकते हैं लेकिन आपको प्याज नहीं डालने होंगे प्याज उसमें डालें जितने आपने खाने हैं उसी टाइम पर क्योंकि प्याज की वजह से जो है ख़राब होने का जो है वो खतरा ज़्यादा होता है <laughs> ये देखिए जी दही डाल दिया है मैंने ये जी दही ऐड कर दिया इसके अंदर थोड़े से और ऐड करते हैं ताकि पूरा बाउल जो है वो भर जाए और बाकी फिर हम बाद में यूज़ करते हैं उसको फ्रिज में रख लेंगे हाँ ये देखिए जी के अंदर ऐड कर दिया मैंने अब इसको मैं दही से अच्छे से मिक्स कर दिया आराम से हल्के हाथों ये देखिए जी अच्छे से मिक्स करते हैं मिक्स 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 अच्छा एक और चीज़ है जो दही भले हो गई आलू चाट हो गई जो भी आप बना रहे हैं ना उसमें जो सबसे ज़्यादा फ्लेवर जिसकी वजह से आता है वो है योगर्ट दही की वजह से अगर आपकी दही जो है वो बड़ी मजे की दही और थिक सी दही है ना तो बस फिर आपके दही बल्ले और आलू चाट बहुत मज़े की बनेगी ये देखिए जी इमली की चटनी मैंने ऐड कर दी अब इसके अंदर अब इसको मिक्स करते हैं ये चाट मसाला अब मैं ऐड करूँगी चाट मसाला थोड़ा सा ऐड करते हैं पहले क्योंकि अगर किसी को इतनी ना अच्छी लगी स्पाइसी ज़्यादा हो गई तो फिर कोई खाएगा नहीं तो इसीलिए हर कोई अपने हिसाब से बाद में डाल सकता है चाट मसाला लेकिन थोड़ा सा हम पहले ही डाल देते हैं अब इसको देखिए अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं और देखिए कितने ही कम टाइम में हमने जो है चना चाट हमारी रेडी हो चुकी है ये देखिए जी आप पापड़ी भी डाल सकते हैं इसके ऊपर मैं मैंने स्किप कर दी तो अगर आप डालना चाहें आपको अगर अच्छी लगती है तो वो भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर इंग्रेडिएंट थोड़ी सी दही और ऐड करते हैं इसके अंदर ये जी अब थोड़ी सी प्रेजेंटेशन जो है इसकी वो देख लेते हैं ये दही ऐड की हमने ये जी मीठी चटनी इमली की चटनी सॉरी ये देखिए जी ये ऐड कर दी और अब हम सारी ऐड कर देते हैं और अब चाट मसाला थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लेते हैं बाउल के ऊपर पूरे थोड़ा सा ये देखिए जी स्प्रिंकल कर लिया हमने चाट मसाला और अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट पुदीने की चटनी वो थोड़ी सी ऐड कर देते हैं ऊपर ये देखिए जी ये देखिए जी तो के है थोड़ी लुक जो है वो अच्छी सी है और थोड़ी चेंज लगे ग्रीन जो है वाइट और ऐसे कलरफुल लुक का है ये जी दरमियान में थोड़ी ऐड कर देते हैं चलें जी हमारी मज़ेदार आलू चना चाट रेडी हो चुकी है एज यू कैन सी बहुत ही अमी डिलीशियस सी और घर में बनी हुई सबसे बड़ी बात घर में बनी हुई क्योंकि कोरोना ने हमें एक चीज़ सिखा दी है आफ्टर कोविड नाइनटीन के जो भी खाएं घर में बना के ख़ुद खाएं क्योंकि आपको पता होता है कि आपने खुद बनाया है और हाइजीनिक वे से बनाया है अच्छा वो मैंने जो बाउल दिखाया मतलब वो आप फ्रीज़ कर सकते हैं उसमें नहीं दही ऐड की मतलब वो बाद में खा सकते हैं तो जितना खाना है उसमें दही ऐड करके आप खा लें उसी टाइम पर बाकी आप फ्रिज में रख सकते हैं और वो आप शाम को या दोपहर को फिर खा सकते हैं तो ये देखिए जी हमारी आलू चना चाट रेडी हो चुकी है जो हमने घर में ही बनाई है अपने हाथों से और ये देखी जी साफ़ सुथरी और जो है हमें पता है क्योंकि जाहिर सी बात है कोरोना की वजह से हमने बाहर का खाना बिल्कुल छोड़ दिया था हर कोई यही प्रेफरेंस दे रहा था कि घर का बना खाए तो अब वैसे भी आगे रमज़ान आने वाला है और रमज़ान में तो ये आइटम रोज़ होती है मतलब ये अगर नहीं है आपके दस्तरखान में तो मतलब वो इनकम्प्लीट है आपका अगर चना चाट नहीं है आपके दस्तरखान पे तो स्पेशली रमज़ान में तो ये तो लाहौरियों की फेवरेट चीज़ है तो जी ये रेसिपी को जरूर जरूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा अपनी दुआओं में याद रखिएगा और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी एंड थैंक यू सो मच फॉर दोज़ व्यूवर्स जैकि जो मेरी वीडियोस देखते हैं लाइक करते हैं और मुझे कमेंट करते हैं सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू इसी तरह जो है मेरी वीडियोज़ को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें ताकि मैं हर नए दिन में नई वीडियो बना के अपलोड करके आप लोगों को इंटरटेन कर सकूँ तो जी आज की वीडियो होती है हमारी आज एंड एंडिंग पेज आ रही है तो इनशाला मिलते हैं नए दिन नई रेसिपी के साथ एक नई उम्मीद के साथ इन शाला टिल्ला हाफ़